मसला ये है कि ये या तो भाड़ा लेके यहाँ रहे या तो ये माहौल गांव के आगे रहे हुए जो इनकी डिमांड को पूरी करे। ये 28 यूनिट देवे इनको बस। हमने अपने आँख से आंसू गिराया यहाँ पर। वो रमजान ये जो बैठे ना आए इसके लिए तो आए ना कि है ना लोग मौजूद है लंबी सीमेंट चाल के जो ऑफिस है उधर पे, यहाँ पे उमर लकड़ा वाला साहब और जो भी जो टेनेंट है जो जिनको लीगली शिफ्टिंग दे दिया गया है वो सारे टेनेंट इधर आए हैं और पब्लिक कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यहाँ पे। हमारी वजह से अगर किसी लीडर को पीसा गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी सताइश करना, उसको हिम्मत देना, उसको आगे करना। कौन कौन लीडर को नाम में डाला गया? वहां पे नारा मेरे नाम का लगाया गया मुर्दाबाद का, वहां लगाया गया आफरीन शेख मुर्दाबाद। अब मैं बोलता हूँ आप जिंदाबाद बोलो, आफरीन शेख जिंदाबाद, हाथ उठा के बोलो रईस शेख जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद, उमर लकड़ा वाला जिंदाबाद, उमर लकड़ा वाला जिंदाबाद। अपने अपनी अपनी राय रहेगी। ये कुछ जेंट्स लोग हैं जो इस लंबी सीमेंट चाल में रहते थे और अभी इनका शिफ्ट हो गया है। तो सर आपने जो लास्ट टाइम डेमोलिशन या खाली कराने के लिए जो प्रतिक्रिया चल रही थी पुलिस की और कुछ लोग इसके अपोजिट में थे, तो उस बारे में क्या कहना है आप लोगों का? उस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जिस वक्त ये प्रतिक्रिया चल रही थी और ये खाली कराने के लिए बिजली पानी काटा गया, हमने अपने आँख से आंसू गिराया यहाँ पर। वो रमजान के महीने में कड़क धूप में यहाँ खड़े रहकर के भीगते हुए हमने उनका डट के मुकाबला किया, और मुकाबला ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई करने के लिए, जो कानून के माध्यम से था उसको हम लोगों ने किया। कोर्ट जाना था हमने कोर्ट गए, कोर्ट में हमको गारंटी देना थी हमने गारंटी दिया, सिर्फ इसलिए कि हमको रीडेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, तो ये जो जिस तरह से उमर साहब ने भी बताया और जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है रिजवान भाई उन्होंने भी बताया, लेकिन ये जो आप लोग चुके टेनेंट है तो आप लोग उनसे जो पूरी तरह से उनकी बातों से मुत्तफिक है, मतलब उनकी बात से सेटिस्फाई है और वो जो भी कर रही है कमेटी उससे सेटिस्फाई है? बिल्कुल 100% हम मुत्तफिक है। और मैं तो लकड़ा वाला हीरो है हमारा, वही की वजह से हमारा घर बचा हुआ है आज, नहीं तो हम लोग रोड पे आ गए होते। ये जो है ना सामने सरगंज जो दूसरी कमेटी है इन्होंने तो जो है केस डाल के हम लोग को रोड पे ले आया था। ये तो उमर भाई की मेहनत, कमेटी की मेहनत, जो आज हम लोग को घर मिला हुआ है। मैं तो उस बारे में मैं ये कहूँगा आप रिव डेवलपमेंट और ये वो सब छोड़िए, मारो सबको गोली मार दो आप। मैं कहता हूँ वो रबर वाला तबरेज शेख जिसने 7.5 बरस का अरसा हम लोगों के साथ गुजारा, सिर्फ हम लोगों की ईमानदारी और उसकी नेक नियति जो अल्लाह ताला देख रहा है, हम तुम नहीं देख रहे हैं। हमारी आँखें बंद है वो देख रहे हैं। और उसने हमारे साथ काउंसिल को खड़ा किया, काउंसिल के बाप को खड़ा किया, जितना करते बना 7-7.5 साल में 8-10 करोड़ रुपया खर्चा किया सिर्फ हमारे लिए। तो हम क्यों ना चाहेंगे कि ये लंबी सीमेंट चाल रिव डेवलपमेंट में ना जाए। कुछ कहना चाहते हैं भाई आगे? एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ चलाई थी, एक फोटो वायरल किया था डोंगरी एक्सप्रेस थ्रू, जो ने फेसबुक पे देखा था ताहिर भाई के फेवर में कि जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर। तो हमने ताहिर भाई के फेवर में हमने पॉलिटिशियन के खिलाफ जो भी है, लेकिन ये पॉलिटिशियन का मामला ही नहीं था, ठीक है? ये पॉलिटिशियन हमने उस दिन भी वीडियो कवर किया था, उस दिन भी कोई न्यूज़ वाले ने कवर नहीं, हमने कवर किया था। आज अगर कोई आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आज हम उसका सवाल का जवाब पूछना है, आप अपना जवाब दे सकते। वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वो क्लियर कीजिए। अरे वो भी जिम्मेदारी ले लेता ना, फैयाज अहमद MIM का सदर बनता है वो भी जिम्मेदारी ले लेता। मैं तो बोलता हूँ आप एक तरफा बात क्यों पूछ रहे हो? अरे आपको अगर उन्होंने बताया तो हम उसी लिए आ जाए, आपके ऊपर इल्जाम लगा था बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास भी आते ना, हमसे भी पूछते कि भाई क्या बात है ये, क्या एक तरफा बात करके आप वो उसको पेपर में और गए थे ना वार्ड ऑफिसर के पास तो ले लेते, वहाँ गारंटी दे देते वहाँ पे, हमने तो दिया हुआ है गारंटी। हम तो दलर से बोल रहे हैं, ये खाली जो रुके हैं अपने मुफाद के लिए रुके थे, अपनी जगह के लिए रुके हैं, इनको कोई वो नहीं है। ये बिल्डिंग का सत्यानाश करना चाहते थे, वो तो हमारी कमेटी और हमारी कमेटी के लोग, आज हम लोग टैलेंट लोग को जो है ना बचा के और सेफ रखे हैं। और जो बोल रहे हैं ना कि उमर लकड़ा वाला बोला था कि ना हम लोग कुछ नहीं होएगा और हम लोग अपने घर में रखेंगे, मैं अपने घर में रखूँ, तो जो उनके साथ है उनको वाकई वो अपने घर में रखा हुआ है, आज हम लोग बचे हुए हैं।
और जो उनके खिलाफ थे, जो लालच में गए थे, आज वो बेबस हो गए और इल्जाम कमेटी के ऊपर लगा रहे। तो ये बात है भाई, हकीकत ये है। तो ये थे जो जनता है, ये यहाँ के रेसिडेंट्स है, इनको शिफ्टिंग मिल चुका है। आज ये जो पहले हमने एक वीडियो चलाया था जिस दिन इस बिल्डिंग को बाकी टेनेंट को खाली कराया जा रहा था, उस वक्त जो मौजूद टेनेंट थे उन्होंने अपना पक्ष रखा था, और ये वो टेनेंट है जिनको शिफ्टिंग मिल गया है। आज उमर लकड़ा वाला और इनकी कमेटी लंबी सीमित चाल कमेटी के लोग और ये टेनेंट जो शिफ्ट हो चुके हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। हमारा काम है जो दोनों तरफ पक्ष का अपनी बातें रखना, हम वही रखेंगे और चाहेंगे जनता इस चीज़ का सवाल का जवाब जो भी है खुद समझे। चार महीने के बाद में दूसरी चेक लेने के लिए मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। और मिलेगा तबरेज भाई, हमको देंगे मिलेगा। एक बात ये कहना है कि जो ये लोग बाइट कर रहे हैं, लेडीज वगैरह लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं कि हम बेवा है, हम लोग घर से भगा दिया, आंसू हाथ जोड़ के रोया जा रहा है, ये कमेटी ने दो दो लाख रुपए की मदद की है। ये लड़का देने वाला है, ये जो औरत पहले माले की रो रही है कि हम लोग रोड पे आ गए, बेवा है, बर्बाद हो गए, उनके घर में मैं बैठ के 50,000 का चार बंडल मदद, उनके शोहर बीमार थे, ऐसे मैं जाके अपने हैंड ओवर अपने हाथ से दिया। कमेटी करी है, ये इंसानियत की बात है, बताने पड़ रहा है। हमको तोहमत लगा रहे, आज बोल रहे ये चाल कमेटी चोर है, उमर लकड़े वाला चोर है, ये चोरी लोग तेरी मदद करे। एक औरत बोलती है जो 15 साल से हमारी बिल्डिंग में, कहीं से शादी होके 15 साल हुआ है आके, वो बोलती है कि ये 30 साल पुरानी चाल कमेटी है, इसको मतलब इतना इज्जत देते हैं, ये हमारी माँ बाप के बाद ये हमारी माँ बाप है चाल कमेटी। ये किसी बेवा की मदद, कोई यतीम की मदद, किसी स्कूल की फीस के लिए, कोई की शादी हो, ये चाल कमेटी करती है। किसी का घर में झगड़ा है, यही चाल कमेटी जाती है। वो कहीं और से शादी होके आई है, उनको मालूम नहीं है 10-15 साल हो रहा है ये चाल में आके, और ये 80 साल पुरानी चाल कमेटी है। हम लोग इसको अपने माँ बाप के बाद, इसको अपना माँ बाप समझते हैं, इस पे इल्जाम लगा रहे वो औरत, क्या बात है, इसको हम लोग अपना माँ बाप कमेटी आगे बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, उमर लकड़ा वाला, उमर लकड़ा वाला, उमर लकड़ा वाला, ये है जनता जो एक ही शेर है लकड़ा वाला, और वही हम लोग को बचाया है, हमारी कमेटी बचाई है, और कोई नहीं बचाया है, और जो लालच में गए हैं वो फंसे हैं आज, देख लो क्या हाल है। जो गए हैं ना भाई, ये हमारे साथ आते हैं, जो गए हैं ये हमारे साथ आते हैं, मगर इनको है ना कैसा 30,000 भाड़ा चाहिए, 500 का एरिया चाहिए, तो अब जाओ उससे मांगो, घर चाहिए एक्स्ट्रा, उसके पास जा रहे हैं भाई, उसके पास जो जा रहे हैं ना, जो उनको उसके साथ थे, तो बोलता है मैं अपना कर लिया हूँ, तुम लोग भी अपना कर लो, तो यहाँ कमेटी में, तो अब हम लोग उनका क्या करेंगे। अब आखिरी में मैं एक बात बोलता हूँ, जो उनके भरोसे रुके हैं, जाके उनसे पूछे तो, कि हम लोग तो गारंटी लिए कमेटी वाले जितने भी टैलेंट के, जाके पूछे अब हम लोग का क्या होएगा, हम लोग तेरे भरोसे रुके, तू हम लोग को रोका, तो अभी हम लोग का क्या करेगा, आज रोड पे हम लोग आ गए, किसी की ताकत है पूछने को, झूठ सच बैठ बैठ जो कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं और पहले भी कर रहे, और ये झूठ सच इल्जाम लगाने का ही नतीजा है कि आज रोड पे और अभी करेंगे ना, तो इससे बुरा अंजाम होगा इन लोगों का। मसला ये है कि ये या तो भाड़ा लेके यहाँ रहे, या तो ये माहौल गांव के आगे रहे हुए, क्या नाम है वो जो उसका कॉलोनी, इस कॉलोनी के अंदर रहे हुए, जहाँ पे ये सब रेल रोड वालों को ना उधर शिफ्टिंग के, ये मामला है, क्योंकि डेवलपर इसको भगाए नहीं है, वो तो पहले मुद्दा चल, ये जाते नहीं है, दूसरा डेवलपर लाने का प्लान कर रहे हैं, उनका भी डिमांड लाना चाहते हैं जो इनकी डिमांड को पूरी करे, ये 288 यूनिट देवे इनको, बस इनका ये मामला है। जब क्या बीएमसी का प्रॉपर्टी कार्ड ये होता है ना, NH2 प्रॉपर्टी कार्ड वो होता है, तो बीएमसी अपनी प्रॉपर्टी कार्ड के हिसाब से आपको कोई भी चीजें प्रोवाइड करेगी ना भाई, ये अपनी तरफ से। ये उमर लकड़े वाले को दोष दे रहे हैं, अच्छे बोल रहे थे उनको खाली करो, तो अभी हम भी तो चले गए ना, और खाली तो उनकी खुद की गलती है, वो उनकी खुद की गलती है। मिला हम लोग को मिला, हर एक को मिला है, ये सब बैठे ना आए इसके लिए तो आए है ना, कि है ना ये उमर लकड़े वाले चोर बोल रहे हैं, लोग भी मंडी से आए, मुमरा से आए हैं, आज की नहीं है, हमारे बाप दादाओं के टाइम से है, हमारे बहुत से फैसले यही चाल कमेटी ने किया है, बुरा किस तरीके से, काफी हद तक के बहुत वो करते हैं, हर बहन बेटी की इज्जत करते हैं, किसी को ऐसे रोड पर नहीं लाते हैं ना, कि रातों रात कंसर्न लिए हैं, तो रातों रात कंसर्न लिए, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो, हमारा हर पेपर जो है वो मौजूद है, हर
चीज लीगल तरीके से की गई। आप लेने आते थे घर का तो ताला मार के चले जाते थे, तो हम लोग बोले तुम लोग ताला क्यों मार रहे हो, बोले नहीं हम लोग को इन लोग के हाथ में नहीं देना है। अरे अपनी चाल कमेटी के हाथ में नहीं देना जो अपने अच्छे वक्त बुरे वक्त काम आते हैं। चाल कमेटी खड़ी हुई है। हाँ बेटा तो आपका कहना है कि इनकी तमाम साजिशें 2017 से ही शुरू चालू है। हाँ जब से चालू है। हाँ नहीं और इनके जो भी मंशा और जो भी इनके मंसूबे बन रहे थे सही बात है, एक एक रूम के बदले में एक 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 फ्लैट मिलना चाहिए। गलत है, गलत है, ये गलत है। जो हमारा है हमको मिलेगा। तो ये थी जनता, जहाँ जो यहाँ की लोकल है, इन्होंने भी अपना पक्ष रख दिया है।